गुड मॉर्निंग बच्चों, हम मैं मैथ का टीचर, ठीक है। जो कि आपका संख्या पद्धति इंग्लिश में है नंबर सिस्टम, आपको पढ़ाने जा रहा हूँ नंबर सिस्टम का यूज जो है यूपी टेट कक्षा 5, 6, 7, 8 में आपका यूज हो सकता है, रेलवे, बैंकिंग और सब चीज में यूज कर सकते हैं इसका, ठीक है। आप जिसके अंतर्गत नंबर सिस्टम के अंतर्गत आपकी आती है, पहली को हेडिंग आती है प्राकृतिक संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेचुरल नंबर होता क्या चीज है, नेचुरल नंबर वो होता है जो एक से लेकर के और अनंत तक होती हैं, जो संख्याएं वो होती है हमारी नेचुरल नंबर, ठीक है। और उसमें हमने यहाँ पे लिख भी दिया है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ गिनती की वह संख्याएं जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश 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 आदि जहां तक अनंत तक की संख्याएं जो होती है वो हमारी क्या होती है, प्राकृतिक संख्या, हमने लिख दिया है ताकि आप लोग नोट्स बना सके, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि सबसे हमको पॉइंट आता है, यहाँ पे बच्चे पूछते हैं कि सर हमको कैसे पता चलेगा प्राकृतिक संख्या बड़ी कौन सी होती है, छोटी कौन सी होती है। देखो बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं होती है, क्योंकि बड़ी प्राकृतिक संख्या जो होती है, क्योंकि जो अपना एक नंबर होता है, जैसे कि छोटी संख्या जो होती है प्राकृतिक संख्या वो एक होती है, अब एक में और एक जोड़ते चले जाएंगे तो वो उससे बड़ी होती हुई चली जाएगी और वो अनंत तक जाती चली जाएगी, तो इसलिए बड़ी संख्या प्राकृतिक संख्या को नहीं पता, लेकिन छोटी संख्या जो होती है वो हमारी एक होती है, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख भी दिया है, देखिए सबसे छोटी और पहली प्राकृतिक संख्या एक है, और एक को छोड़कर प्रत्येक प्राकृतिक संख्या अपने से पहले वाली प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ देने पे प्राप्त हो जाती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि जैसे 2 है 2 में हम +1 कर दे तो आगे वाली संख्या जो आ जाएगी वो 2 से बड़ी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 3, ठीक है। अगर 3 है 3 में हम +1 कर दें तो ये आ जाएगी 4, यानी 3 से बड़ी हो जाएगी 4। इसी तरह 101 है, 101 में हमने 1 जोड़ दिया तो 102 हो जाती है, यानी कि 101 से बड़ी हो जाएगी हमारी 102, ये चली जाएगी आपकी अनगिनत तक की, ठीक है। तो ये हमारी जो होती है, हम बड़ी संख्या को नहीं बता सकते कि बड़ी संख्या कौन सी प्राकृतिक संख्या होती है, लेकिन छोटी संख्या जो होगी वो हमारी होगी 1, ठीक है। मैंने जाग तक ये लिख भी दिया है ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। और आपका चौथा पॉइंट है, प्राकृतिक संख्याओं को गिनती कभी समाप्त नहीं होती, जैसा कि हमने बताया कि वो अनंत तक जाती है, ठीक है। फिर पांचवा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि उससे अगली वाली जो संख्या होती है वो बड़ी होती है, जैसा कि अभी हमने यहाँ पे बताया, क्योंकि यहाँ पे 2 से बड़ी आ जाएगी 3, 3 से बड़ी आ जाएगी 4, 4 से बड़ी आ जाएगी 5, 5 से बड़ी आ जाएगी 6, इसी तरह आ जाएगी 102, 103, 104, यह इससे बड़ी होती चली जाएगी। यहाँ पे हमने इसीलिए पॉइंट बाय पॉइंट लिख दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। और यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन एक और आता है, यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये आता है आपका कि बच्चे पूछते हैं कि सर 10 जो है 10 में तो शून्य भी आता है, शून्य प्राकृतिक संख्या क्यों नहीं होती है। तो बेटा शून्य इसलिए प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि देखिए वो नंबर के पीछे अगर लगा हुआ है वो तो वो जो नंबर है इसको पूर्ण कर दे रहा है, ये नंबर जब पूर्ण कर देता है तो वो पूर्ण संख्या में चला जाता है, इसीलिए ये प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। अगर यही चीज नंबर के आगे हम लगा दें तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है। ये चीज अधिकतर क्वेश्चन पूछने में आता है, सब बच्चे पूछते हैं कि सर शून्य प्राकृतिक संख्या है या नहीं है, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूजन होते हैं, तो वहां पे वो शून्य जो प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। और अगला पॉइंट है, शून्य की खोज किसने की थी सबसे बड़ी चीज, तो शून्य की खोज जो भारतीय जो है गणितज्ञ आर्यभट्ट ने की थी, और शून्य को किसी भी संख्या से गुणा करने पे हमेशा उसका जो गुणनफल है वो हमेशा शून्य ही आता है, ठीक है, ये तुम लोगों को याद रखना है।